समेत पूरे उत्तर भारत का मिजाज बदला हुआ है। दोपहर के वक्त तेज धूप और शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण फरवरी में तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक अभी सुबह और शाम के वक्त ठंड बनी रहेगी, लेकिन दिन में 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहेगा। आईएमडी के मुताबिक 14 फरवरी के बाद से 20 और 21 फरवरी को भी दिल्ली में बारिश की संभावना है। इस दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। सोमवार को आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 8 डिग्री रह सकता है। इसके बाद 13 फरवरी को बादलों की परत कुछ गहरी रहेगी, इसी वजह से बढ़ते तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने की संभावना है। 14 फरवरी को हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक रह सकता है। इसके बाद 15 से 17 फरवरी के बीच अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 8 से 9 डिग्री रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की आशंका है। 17 फरवरी से इसका असर दिख सकता है, जो कि 12 फरवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी हिमालयी राज्यों में मध्यम से भारी बर्फबारी की आशंका है। इसका असर पहाड़ों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी वजह से दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 20 से 21 फरवरी को बारिश हो सकती है। 14 फरवरी से पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में, 12 फरवरी को ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पश्चिम बंगाल में 13 से 15 फरवरी के बीच बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। आईएमडी के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार, झारखंड सहित अन्य क्षेत्र में बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के मुताबिक 14 फरवरी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बूंदाबांदी हो सकती है। 12 फरवरी को असम और मेघालय में बारिश हो सकती है। 12 से 14 फरवरी के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। इन तीनों राज्यों में भी हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी की हवा 10 दिनों बाद फिर खराब स्तर पर पहुंच गई है। रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से 31 जनवरी को दिल्ली और आसपास के इलाके में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे लोगों को प्रदूषण से राहत भी मिली थी, लेकिन अब प्रदूषण फिर बढ़ने लगा है। रविवार को दिल्ली का AQI 313 अंक पर रहा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही मौसम से जुड़ा कोई भी सवाल हो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।